Welcome to our pet setup. Bismillahirrahmanirrahim. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैर खैरियत से हैं और माशाल्लाह से हमारे सारे जानवर भी आप देख सकते हैं खैर खैरियत से हैं। भाई मेरे पीछे आप देख रहे हैं फोग का मंजर, बहुत ज़्यादा फोग है और मैं अभी भाई से घास लेके आया हूँ, चारा लेके आया हूँ खरगोशों के लिए और बड़ी मुश्किल से ख़ुद को कवर करके गया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे गली के कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा फोग है। ना इस साइड से कुछ नज़र आ रहा है और ना इस साइड से नज़र आ रहा है और सारा आसमान कवर है। वीडियो बनाओ। हाँ जी माशा, वीडियो बनाओ माशा। मैं फैमिली ट्रिप के साथ गया हुआ था फैमिली को लेके और इसलिए दो दिन आपको बताया भी नहीं और दो दिन वीडियो भी नहीं आई क्योंकि फैमिली के साथ गया हुआ था। तो हमारे माशा और सिम्बा दोनों माशाल्लाह ठीक है और सिम्बा ठंड की वजह से अंदर चला गया था। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, जो उसका केज बनाया था वो सर्दी से बचने के लिए ख़ुद को अंदर कवर कर लेता है और माशा भी उसके साथ अंदर चली जाती है और बाहर की सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं। मुँह से धुएँ निकल रहे हैं और धुंध है, बहुत ज़्यादा धुंध है, अच्छी खासी आज धुंध है। ये देखिए जनाब, ये है इनका घर, मैं अंदर से भी दिखाता हूँ। ये है इनका घर और ये वो देखिए, वो जाके बैठा हुआ है, अंदर टोकरी रखी हुई है, उसके अंदर पराली पड़ी हुई है और बाहर भी फर्श के ऊपर भी सारी पराली है और यहाँ पे ये काफी अपने आप को बेहतर फील करते हैं इसलिए अंदर जाके बैठ जाते हैं। माशा जो सी है वो बाहर ही घूम रही है, सिम्बा नाश्ता करके तो चला गया अंदर। इधर माशा माशा माशा, वाशरूम वगैरह बाहर आके करते हैं, वाशरूम नहीं अंदर करते, अंदर सिर्फ ये सोने के लिए जाते हैं या रात को स्टे करते हैं अंदर ये। तो अब अंदर चलते हैं और जाके अंदर की भी सूरत हाल देखते हैं और चारा शारा भी डालते हैं इनको। आए जी अब अंदर चलते हैं, चारा शारा डाल दिया मैंने और आपको अंदर की अपडेट देते हैं। बाहर की सूरत हाल तो आपने देख ली है, अब ये देखिए जनाब नए बच्चे जो उनसे हैं वो भी यहाँ पे दाना खा रहे हैं, वो उधर अपनी फैमिली के साथ दाना खा रहा है और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो बच्चे थे उनकी क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह ये भी बड़े हुए हैं। अब्दुल्ला उन्हें अंडा दिता ही लगे ने, मटके के अंदर ही दे देता अंडा। ये अंडा मैं यहाँ से उठा लेता हूँ क्योंकि अंडा इसका ख़राब हो जाना, यहाँ पे इसको हम दे देते हैं उनको। वो जो जोड़ा हमारा बैठा हुआ है ना उसे हम ये अंडा दे देते हैं, ये वाला जोड़ा। आपने अंडे दिए हुए हैं? ओए इसने भी अंडे दिए हुए हैं, तो ये अंडा किसको दूँ फिर? उस बॉक्स से कोई भी नहीं जा रहा, किंग नु दे देना, ये अंडा हम किंग को दे देते हैं। किंग पता नहीं पहनता है, किंग बैठता है नहीं, वो आ गया किंग, वो देखे वो फौरन वापस आ गया अपने केज में, मैंने उसके केज में अंडा रखा है और वो साथ ही आ गया और ये अब अंडे को अपने नीचे ले लेगा। अभी देख लेते हैं एक्सेप्ट करता है। चेक कर रहा है, एक्सेप्ट कर लेगा, उसने भी अंडे दे दिए हुए हैं, गुड हो गया। और यहाँ पे भी देख लेते हैं हम जो हमारे नए बच्चे निकले थे उनकी क्या सूरत हाल है, दो दिन के बाद इनको देखते हैं। हाँ जी ये ठीक है माशाल्लाह से। ये देखे जनाब, सर्दी है बाहर, मैं ज्यादा नहीं निकालूंगा। ये देखे माशाल्लाह से, टॉर्च बंद थी, मैंने अभी टॉर्च ऑन किया, ये देखिए माशाल्लाह से सब ठीक है और ये देखिए सारे माशाल्लाह से सही हैं और हल्के हल्के बाल आ गए हैं इनके ऊपर। ये वापस मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि इन्हें सर्दी ना लगे और जगह उसने अच्छी ली है, अच्छी जगह पे दी है उसने, यहाँ पे कवर है और सेफ है ये। और हम अपने इस मेहमान रैबर को भी देख लेते हैं। हाँ जी आप ठीक हो?
क्या हाल है? ठीक हो? ये भी माशाल्लाह से ठीक है, फिट है। अरे ये डरता बड़ा है। बाकी हमारे घर गोश नहीं डरते, ये डरता है। और ये बच्चे देखे अब जो उनसे ये बाहर आ गए हुए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं अब। ये क्यूट से बेबी माँ अपनी के साथ बाकी खरगोशों के साथ इधर है। दो अभी भी ऊपर ही बैठे हुए हैं, ये इनको ऊपर ही मैंने डाल दिया था। और ये माशाल्लाह से सब ठीक है। चूजे हमारे देखे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। अच्छा वो देख रही है कि उसका अंडा कहाँ पे गया है। उसने बारी बारी तीनों मटकों के अंदर देखा है कि यहाँ मेरा अंडा था, अंडा किधर गया। वो अपना अंडा ढूंढ रही थी, उसका अंडा उठा के मैंने दे दिया। वो देखिए वो बैठ गई है, मेल भी उसका चला गया उसके पास, वो भी जाके बैठ गया उसके पास। कहती है हमें अंडा मिल गया। ये है कि एक्सेप्ट कर ली है, एक्सेप्ट कर लिया उसने। और देखिए चोंच के साथ अपने नीचे कर रही है। हाँ जी आपकी एंट्री अंदर नहीं है, आपकी अंदर एंट्री नहीं है। हाँ आप अंदर आके ना इनको तंग करती हो, इनके ऊपर अटैक करती हो। कहती कुछ भी नहीं, सिर्फ खेलती है इनके साथ। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह पाक हम सबके जानो माल में बरकत डाले। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बाकी सारी साइड्स हमने कवर कर दी हैं, अब ये वाली साइड जो है ये भी इंशाल्लाह ताला से हम जल्दी कवर कर देंगे, ताकि इस साइड से भी हवा वगैरह या धुंध वगैरह। वैसे मैं अंदर खड़ा हूँ, अंदर टेम्परेचर ठीक है, अंदर उस तरह से ठंड नहीं है, क्योंकि ये दो साइडें बल्कि तीन सर तो दीवार है और ये दो साइडें बंद हो गई हैं, तो फ्रंट से हवा नहीं, हवा ऐसे चलती है, तो इसलिए अंदर टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जानवर भी बेहतर है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। और ये वाली साइड भी हम कवर कर देंगे ताकि अंदर और ज़्यादा टेम्परेचर बेहतर हो जाए, अच्छा मतलब अंदर ठंड ना आ सके, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई, बारिश होगी तो फिर सही पता चलेगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपसे एक नई सुबह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है अपने भाई को, अल्लाह हाफिज़।